भाई ने पूछा है कि स्विमिंग पूल का पानी पाक रहता है कि नापाक रहता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि स्विमिंग पूल का पानी कैसा है। अगर देखिए स्विमिंग पूल के अंदर अगर कोई नजासत वाली यानी गंदी चीज पड़ी और स्विमिंग पूल के पानी का रंग या जायका या बू खुशबू उसकी पानी बू अगर इन तीनों अवसाफ में से कोई एक वश बदल जाए किसी गंदी चीज के पड़ने से, तब तो वो पानी मुकम्मल तौर से नापाक है। ना तो उसको वजू के लिए, ना गुस्ल के लिए, ना कपड़ा धोने के लिए, किसी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी गंदी चीज के पड़ने से इन तीनों अवसाफ में से रंग बू मजा इनमें से कोई बदल जाए तो वो नापाक है मुकम्मल तौर से। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर किसी साफ सुथरी चीज के गिरने से इन तीनों अवसाफ में से कोई एक वस बदल जाता है तो वो पानी नापाक नहीं है, वो पानी पाक है। उससे किसी भी गंदगी को जायल किया जा सकता है, उससे नहाया जा सकता है, कपड़ा धोया जा सकता है, अलबत्ता उससे तहारत नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर उसका पानी का के तीनों अवसाफ में से कोई एक वस बदल गया है तो फिर वो पानी तहारा फिल हदस के काबिल नहीं है, लेकिन तहारा फिल नजस में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आम तौर से स्विमिंग पूल के बारे में जो मेरी जानकारी है, जो मैंने देखा है, उसका पानी इतना नहीं बदलता है कि उस पर पानी का इतलाक ना हो सके, इतना नहीं बदलता है स्विमिंग पूल का पानी। और जहां पे साफ सुथरे लोग रहते हैं, मुहज्जब लोग रहते हैं, तो स्विमिंग पूल में ऐसा इंतजाम करके रखते हैं कि उसका पानी निकलता रहता है। तो एक तरफ से पानी डालते रहते हैं, दूसरी तरफ पानी निकलता रहता है, तो मुसलसल वो जो है पानी साफ होता रहता है। तो उस पानी से आप गुस्ल भी कर सकते हैं, वजू भी कर सकते हैं। आम तौर से जो स्विमिंग पूल होता है, कोई भी स्विमिंग पूल को इतना गंदा नहीं करता है कि अब वो नजिस हो जाए या तहारत के काबिल ना हो। हाँ, अगर कोई ऐसा कर दे कि नजिस कोई ऐसी चीज डाल दे कि उसके तीनों औसाफ में से कोई वस बदल जाए, तब उससे तहारत हासिल करना जायज नहीं होगा।